जला रहा है कि नहीं जला रहा है? जला रहा है। तो जलाना है कि बनाना है? बनाना है। तो बेईमानों के चक्कर में फंस जाना है? नहीं। बोलो नहीं। ये निषाद राज का फोटो है कि नहीं है? है। बोलो घर में पूजा होगा कि नहीं होगा? हमने पुरखों को छोड़ दिया तो हम लोग गरीब हो गए कि नहीं हो गए? दलित भाई अपने भगवान को पूज लिया कि नहीं पूज लिया? यादव भाई अपने भगवान को पूज लिया कि नहीं पूज लिया? आज के बाद हम लोगों को अपने भगवान को घर में बसाना है कि नहीं बसाना? बसाना है। छोटा पूजा होगा कि बड़ा होगा? तो भाई ये प्रचार छोटा है कि बड़ा? ये सारा फोटो घर में होगा कि छोटा? प्रचार होगा कि बड़ा? आपके रिश्तेदारों के यहाँ हो जाएगा तो छोटा होगा कि बड़ा? घर घर ये फोटो होगा कि नहीं होगा? ये किताब होगा कि नहीं होगा? ये किताब के बारे में जान लो, ये बहुत ज्ञान है। आज के दिन में दलित भाई अपने घर में किताब रख लिया, उससे सरकार डर गई, मायावती को गद्दी मिला कि नहीं मिला? मिला। बोलो मिला। तो तुम्हारी किताब पढ़ लोगे तुम्हारे गांव में पहुंच जाएगा तो दुश्मन डरेगा कि नहीं डरेगा? डरेगा। तुम्हारा हिस्सा देगा कि नहीं देगा? देगा। बोलो भाई देगा कि नहीं देगा? देगा। हमारा किला इलाहाबाद श्रृंगेरपुर है कि नहीं है? मेरा कसब का किला है कि नहीं है? सरकार ने खुदाई करके मोहर मारा है कि नहीं मारा है? तो हम भीख मांगने वाले वंश के हैं कि गद्दी वाले? गद्दी वाले। बोलो भाई गद्दी वाले। तो हमारा समाज, हमारे पुरखे कभी कानून बनाते थे कि नहीं बनाते थे? बनाते थे। तो कानून बनाने का कलम लेना है कि नहीं लेना? कितने लोग चाहते हो कि हमारे हाथ में कानून? तेज आज बोलो जय निषाद राज। निषाद पार्टी जिंदाबाद। 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 निषाद पार्टी जिंदाबाद। 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 डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। हमारे शरीर में हमारे पुरखों का खून है कि नहीं है? हमारे पुरखे क्या मजदूर थे कि राजा थे? राजा थे। मजबूर थे कि राजा थे? राजा थे। तो हम लोगों को क्या करना है? राजा बनना है। मजदूर बनना है कि राजा? राजा। तो इसमें वोट से राजा होता है कि नहीं होता है? होता है। वोट तो डालकर हमने माया मुलायम मोदी योगी को राजा बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। तो उनको राजा बनाना है कि हटाना है? कितने लोग तैयार है उनको हटाने के लिए? तैयार। तैयार है। अगर उनके उनके मशीन पर बटन, उनके बटन पर, उनके चिन्ह पर हम अंगुली ने रखे तो राजा बनेंगे? नहीं। वहाँ से अंगुली हटा लेंगे तो मरे? नहीं। बोलो हमारा हिस्सा मुसलमान खा रहा है क्या? नहीं। तुम्हारे बेटे के हिस्से पर मुसलमान कब्जा किया है क्या? नहीं। सबसे बड़े कसाई ये है। आज के दिन में सारे बच्चों को हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में देख लो, 150 बच्चे एक ही दिन में मर गए। रोज 50 बच्चे मर रहे हैं। इसके मतलब जो सरकार इलाज नहीं कर सकती, बच्चों की सुरक्षा नहीं दे सकती, क्या हमारी दे सकती क्या? नहीं। तो आज के दिन में वहां जब 2014 में हम आए तो कांग्रेस जीरो चली गई, 2017 में आए माया मुलायम नीचे आ गए। अगर मोदी जी नहीं मानेंगे तो 2019 में ये मोदी योगी भी खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा राज शुरू हो जाएगा, देख लेना कैसे। आज के दिन में अगर जरूरत समझेगी सपा और बसपा कांग्रेस को जिंदा रहना होगा तो डॉक्टर संजय का साथ देंगे, अगर नहीं जिंदा रहेंगे तो हम लोग खड़ा होंगे। अपना वोट हम लोग किसी को देंगे क्या? नहीं। बोलो देंगे क्या? नहीं। तो हम लोग खड़ा होते ही योगी जी का ढीला हो गया, चुनाव लड़ना बंद। सही बात। सपा के कांग्रेस के एमएलसी को खरीद कर जाकर लखनऊ बैठने का काम कर रहे हैं। इसके मतलब चुनाव लड़ने से भाजपा डर रही है कि नहीं डर रही है? डर रही है। इसके मतलब हम लोग जिसको चाहते थे गद्दी पर बैठता था, अब निषाद नहीं चाहेगा तो कोई गद्दी पर नहीं बैठेगा। जो निषाद का हिस्सा देगा उसको हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये हम लोगों ने फैसला किया। तो क्या बनारस के लोग तैयार होने के लिए तैयार है? तैयार है। आरक्षण लेना कि नहीं लेना? तुम्हारा लिख के आ गया, लोगे कि नहीं लोगे? पार्टी के लोगों को मिला कि नहीं मिला? मिला। तो हमारा भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। संविधान में हमारा हिस्सा लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। तो मझवार मतलब मझधार को पार उतारने वाले। सही बात।
तो आज रेता मझधार में है कि नहीं है? असली मझवार यही रहते हैं ना। सही बात। असली वाले हो कि नकली वाले? असली वाले। अगर असली वाले होगे तो लड़ाई रहोगे, और नकली वाले रहोगे तो घर सूतोगे। कितने लोग असली वाले हो भाई? हाथ उठाओ तेज आवाज में बोलो जय निषाद राय। तो आरक्षण की लड़ाई लड़ना आज नहीं लड़ना है, तहसीलदार को घेरना आज नहीं घेरना है, मोदी को घेरना आज नहीं घेरना है, को घेरना आज नहीं घेरना है। इस तरीके से मायावती के लोगों को उनके दरवाजे पर सर्टिफिकेट पहुंचता है, तो मैं भी चाहता हूं कि निषाद सबसे गरीब है, और निषाद का भी सागर अनुसूचित जात में लिखा है, तो 60 साल से